नमस्ते। तो कैसे आप लोग आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सलूशन जो है पिंग हाई प्रॉब्लम। तो मुझे पता है कई सारे लोग हैं जिनके पास वाईफाई नहीं है, वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वाईफाई से नहीं खेलते, उनके पास बस मोबाइल का इंटरनेट है, मोबाइल से खेलते हैं। तो मोबाइल का इंटरनेट में क्या होता है, जो लोग जियो यूज़ करते हैं, फिर वोडाफोन यूज़ करते हैं या फिर BSNL यूज़ करते हैं, उनका क्या होता है कि पिंग हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पिंग हाई प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है। आपको जो है 3 या फिर 4 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो सेटिंग्स मुझे पता है 99% लोगों को नहीं पता है कैसे यूज़ करना रहता है या फिर सेटिंग्स को कैसे करना रहता है, जिससे आपका पिंग हाई का प्रॉब्लम परमानेंट का सलूशन हो सकता है। तो इस वीडियो में बताने वाला, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। जिनका भी लो एंड डिवाइस 10-15 हज़ार का डिवाइसेस है, उन सभी डिवाइस में भी काम करने वाला है। जिनके पास 50,000-60,000 का, 60,000, 1 लाख का डिवाइस है, उनका भी, उन सभी में काम करने वाला है। एंड्रॉइड आपके पास है या फिर iOS है, सभी डिवाइसेस में काम करने वाले वाला सेटिंग्स है। ये वाला सेटिंग्स को करने के बाद आपका भी जो पिंग 20 से लेकर 30 या फिर मैक्सिमम 40 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, जिससे आप भी ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल पे जैसा जो बहुत ही फास्ट गेम प्ले खेल पाओगे, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले को आप लोग खेल पाओगे, आपके मोबाइल के इंटरनेट से आपको वाईफाई का यूज़ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन सेटिंग्स जो करना है आप लोगों को देख लेते हैं। पिंग हाई प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए गाइस आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपका यहाँ पे BGMI देखना है गेम, इस गेम में ऑन नहीं करना है, गेम में आपको यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करना है। एप्लीकेशन में होल्ड करने वाला ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाने के बाद आपको कई सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो इस सेटिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको करने के बाद 30% प्रॉब्लम का सलूशन अभी हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा सेटिंग्स आपको बताया, तो देखो यहाँ पे देखो ऐप परमिशन दिखा रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखने को मिल जाता है देखो रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इजेंट यूज, इसका जो है सभी लोगों का ऑन रहता है, इसको आपको जो बंद कर देना है। कोई टेंशन नहीं लेना है गाइस, इसको बंद कर दो, इससे कोई कुछ भी आपका गेम में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे आपको जो पिंग हाई प्रॉब्लम सबसे पहले जो सलूशन एक बार 30% का हो जाएगा। इसको करने के बाद आप जो बैक आ जाओ, ठीक है, इतना ही आपको करना है। इतना करने के बाद गाइस आपको कुछ और सेटिंग्स करना है। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में चले जाने वाला है। सेटिंग्स में चले जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका मोबाइल पे, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर जियो से खेलते हो, जियो के इंटरनेट से खेलते हो, तो जियो के इंटरनेट में जो सबसे पहले 1 सिम है, इसको आप लोग क्लिक कर देना है नंबर्स के आसपास। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है जो है एक्सेस पॉइंट नेम। तो कई सारे सभी डिवाइस में एक्सेस पॉइंट नेम रहेगा, आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है। एक्सेस पॉइंट नेम में क्लिक करने के बाद APN जो सेटिंग्स रहता है ना, इसमें आप लोगों को एक यहाँ पे सेट रहेगा जियो का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट जो रहता है ना, इसमें आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो सेटिंग्स बताने वाला, इस सेटिंग को करने के बाद आपका जो 70% जो प्रॉब्लम जो बचा रहेगा ना, वो भी सोल्यूशन हो जाने वाला है। नीचे क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने वाला देखो यहाँ पे APN प्रोटोकॉल, ठीक है, पहला यहाँ पे APN प्रोटोकॉल, उसके बाद देखने को मिल जाता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले APN प्रोटोकॉल जो यहाँ पे रहेगा ना, आपको यहाँ पे जो है IPv4 और IPv6 सिलेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, IPv4 में यहाँ पे कर देना है। जिनका IPv6 में रहेगा उनको भी IPv4 में कर देना है। तो इसको 4 में करो, उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे देखने को मिलता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपका जो IPv4 और IPv6 रहेगा, इसमें भी आपको IPv4 में करो। करने के बाद यहाँ पे हो नहीं गया, ऐसे बैक नहीं चले जाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, मोर, इस मोर ऑप्शन में देखो यहाँ पे देखने को मिलता है सेव, जो सेटिंग्स आपने अभी किया उस सेटिंग्स को सेव करना होगा यहाँ पे। तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपका 100% प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। बट आपको एक चीज़ अभी करना है, क्या करना है आपको, अभी आपको जो आपका मोबाइल को क्या करना है, ऊपर से देखने को मिल जाता है, सभी मोबाइल में रहता है, क्या करना होगा यहाँ पे देखो जो एयरप्लेन मोड रहता है ना, इसको ऑन करके एक बार उसके बाद उसको ऑफ कर देना है। या फिर आप लोग जो अपने मोबाइल को जो एक बार रीस्टार्ट कर लो, रीस्टार्ट करने के बाद आप लोग जो है गेम को ऑन करो और उसके बाद वो गेम प्ले करो ट्रेनिंग मैच में या फिर TDM में या फिर आप लोग जो है लॉबी में जाकर कोई भी मैच को ओपन करो। ओपन करने के बाद आप लोग देखो कि आपका जो पहले नेटवर्क आ रहा था ना, जो जहाँ पे 200-300 का पिंग आ रहा था, 150 का पिंग आ रहा था, मिनिमम भी अगर आता 200 का पिंग आ रहा था, 150 का पिंग आ रहा था, उन सभी का जो पिंग हाई जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट भी सलूशन हो गया। आपको देखो कि आपका जो पिंग हाई है अभी बहुत ही कम हो चुका है, आपको अभी जो 40-50 या फिर 30 के बीच में या फिर 20 के बीच में आपका पिंग रहने वाला है, फ्लक्चुएट करने वाला है, आपका सलूशन हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों का वाला वीडियो देखने के बाद पिंग हाई प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है। अगर आप लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है, आप लोगों का जो गेम प्ले इंप्रूव हो रहा है अभी, तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों का जो इंप्रूव हो चुका है, और बाकी लोगों को भी बताइए कमेंट में कि ये वाला जो वीडियो है वो रियल वीडियो है। और अगर आप लोगों का वाला वीडियो पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इस तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ड्रिल्स और सेंसरी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।